हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने आईटी आईटीएस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि बीपीओ क्या होती हैं। हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक बीपीओ क्या होती है और डोमेस्टिक बीपीओ में क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये सब पढ़ा था, रियल टाइम टू राइट टाइम, मल्टी चैनल, कस्टमर एज सेंट्रिक, कस्टमर सर्विस एज ए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, मोटिवेटिंग कस्टमर, फोकस ऑन सेल्फ सर्विस। तो अब आज हम पढ़ेंगे फोकस ऑन सेल्फ सर्विस। देखिए, वन मेजर ट्रेंड इन कस्टमर सर्विस इज द मूव बाय कंपनीज टू एनकरेज कस्टमर्स फॉर सेल्फ सर्विस टू सॉल्व देयर ओन सर्विस इशू। कि आजकल क्या हुआ है, मेजर ट्रेंड क्या है कस्टमर सर्विस में, कि कस्टमर के लिए सेल्फ सर्विस अप्लाई करी गई है कंपनीज के द्वारा, जिससे उनकी खुद के इशू वो खुद ही सोल्व कर पाए। जैसे कि अगर हम रिटेल इंडस्ट्री में देखें, एक होती है हमारी होलसेल और एक होती है रिटेल। जैसे आपका लगा लो शॉपिंग मॉल ही लगा लो, तो सेल्फ सर्विस होती है वहाँ पे। सेल्फ हेल्प सर्विस रेंजेस फ्रॉम कस्टमर प्लेसिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग बैग्स। वो खुद अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने शॉपिंग बैग में डालते हैं, डूइंग देयर ओन चेकआउट, खुद चेकआउट करते हैं, इंक्लूडिंग स्कैनिंग प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग पेमेंट, और मेकिंग पेमेंट भी करते हैं और स्कैनिंग भी करते हैं। कस्टमर नीड्स इंफॉर्मेशन आर एनकरेज्ड बाय कंपनीज टू फर्स्ट अंडरटेक द एफर्ट देमसेल्व्स बाय विजिटिंग स्पेशल कंपनी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एरियाज। सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर को पहले कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर दे हैव एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, ये सब ऑप्शन लेने के बाद देन दे मे कंटेक्ट द कस्टमर सर्विस। उसके बाद वो कस्टमर सर्विस से बात कर सकता है। सेलिंग मोर, सेलिंग मोर में क्या होगा, कंपनीज दैट मेंटेन ए कस्टमर सर्विस स्टाफ हेल्प टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स ऑल्सो कन्विंस कस्टमर टू परचेज मोर। कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर सर्विस के लिए स्टाफ मेंटेन करके रखती हैं जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और कस्टमर को कन्विंस भी करता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो और ख़रीदें, और ये जो हम स्टाफ रखा है वो उनको और उनकी ऐड कर पाएँ। मैनी कंपनीज नाउ रिक्वायर सेल्स ट्रेनिंग फॉर देयर कस्टमर सर्विस पर्सनल। और कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो स्पेशल ट्रेनिंग भी रखती हैं अपने स्टाफ के लिए, कस्टमर सर्विस पर्सनल के लिए। उस ट्रेनिंग में उनको यही बताती हैं कि कैसे आपने कस्टमर को कन्विंस करना है। एट ए बेसिक लेवल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मे बी ट्रेन टू आस्क इफ कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे CSR की बात करें हम, तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर की कॉल को हैंडल करता है, जो आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो, तो उसको भी ट्रेन किया जाता है। किस लिए, कि कस्टमर से वो पूछे कि वो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट्स के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। इफ़ ए कस्टमर शोज इंटरेस्ट, अगर उसे लगता है कि कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है अपना, तो वो क्या करता है, दैट देन ही विल ट्रांसफ़र द कस्टमर्स टू ए सेल्स एसोसिएट। उसके बाद ही और शी जो भी है CSR, वो उसकी कॉल को किसके पास ट्रांसफ़र कर देता है, सेल्स एसोसिएट के पास। कब करता है, जब कस्टमर का अगर इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में। एट ए मोर एडवांस लेवल द रिप्रेजेंटेटिव विल शिफ्ट टू सेलिंग रोल एंड अटैम्प्ट टू गेट द कस्टमर टू कमिट एडिशनल प्रोडक्ट परचेज। और कई अगर आप एडवांस लेवल में देखें तो वो सेलिंग रोल भी करता है, खुद उसको पूरी की पूरी नॉलेज देता है उस प्रोडक्ट की, जिससे क्या कर पाए, कस्टमर को कन्विंस कर पाए, कमिट कर पाए कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। टेक्नोलॉजीज, अब टेक्नोलॉजीज भी कई यूज़ होती हैं उसमें। एज यू विल सो थ्रू आउट द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ट्यूटोरियल, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड ऑल एरियाज ऑफ मार्केटिंग। अगर हम ये देखें, अगर हम बिजनेस में देखें, ऑनलाइन ई कॉमर्स में, ऑनलाइन बिजनेसेस में जो मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं आजकल हर चीज़ के, टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन आ गया है, उससे क्या हुआ, मार्केटिंग के एरिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इन सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आई है, कंप्यूटर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, और क्या है, इंटरनेट की हेल्प से आप कस्टमर के साथ कनेक्ट हो पाते हो। इनोवेटिव मेथड के, जो इनोवेटिव मेथड होते हैं, कस्टमर आपसे चैट कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंपनीज आर फाइंडिंग वैल्यू इज़ यूजिंग इंटरनेट चैट एज वे टू एड्रेस कस्टमर क्वेरीज। कंपनीज ने क्या किया है, इंटरनेट चैट स्टार्ट करी है, जिससे वो कस्टमर की क्वेरीज़ को सोल्व कर पाए। टिपिकली द चैट फीचर इज़ प्रेजेंटेड वाया ए पॉपअप ब्राउज़र। एक पॉपअप ब्राउज़र होता है, उसके थ्रू वो चैट होती है, मतलब जो ब्राउज उसका चैट का लिंक होता है, उस लिंक पे कस्टमर क्लिक करता है, और उस क्लिक करने के बाद उसके बाद वो विंडो ओपन हो जाती है कस्टमर की थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का नाम जो है जिसमें वो प्रोग्रामिंग की जाती है, वो होती है हमारी डब्ड AJX। ये क्या होती है, इसके थ्रू हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं
जिसके थ्रू हम ये जो चैटिंग विंडो है चैट ब्राउज़र के थ्रू बनती है, अलाउज़ फॉर ए चैट टू टेक प्लेस राइट ऑन वेब पेज, जिससे हम चैट कर पाते हैं वेब पेज पे पॉपअप विंडो के थ्रू। ऑनलाइन चैट सेशंस आर अंडरटेकन इन रियल टाइम विद कस्टमर, रियल टाइम मतलब एट अ टाइम जो कस्टमर है वो अपने सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करता है। मोर एडवांस चैट टेक्नोलॉजी आ गई है, कोलाबरेटिव ब्राउजिंग अलाउज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव टू मैनिपुलेट ए कस्टमर ब्राउजर बाय सेंडिंग वेब पेजेस दैट कंटेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब CSR वहाँ बैठा बैठा उसके अंदर चेंजेस कर सकता है और कस्टमर को उसके बारे में और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा रियली सिंपल सिंडिकेशन फीड्स, ये क्या चीज़ है, RSS बोलते हैं हम इसे। दिस इज़ अनदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट इज़ रैपिडली गेनिंग ए प्लेस इन कस्टमर सर्विस, ये एक तरह की इंटरनेट टेक्नोलॉजी ही है जो कस्टमर सर्विस में बहुत ज़्यादा इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, पॉपुलर हो रही है। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज इट्स यूज इज इंटरनेट ब्लॉग्स एंड नाउ वाइडली यूज इन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स। इसको ज़्यादा यूज़ क्यों करते जा रहे हैं, क्यों यूज़ हो रहा है इसका, एक तो ये इंटरनेट ब्लॉग्स में यूज़ होती हैं और मोस्ट पॉपुलरली वेबसाइट में भी और टेक्स्ट मैसेजेस में इसका यूज़ होता है। RSS अलाउज ए कंपनी टू सेंड आउट इन्फॉर्मेशन क्विकली टू ए लार्ज नंबर विद लिटल मैनुअल एफर्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। RSS क्या अप्लाई करती है, कंपनी को अप्लाई करती है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को लार्ज नंबर पे मैनुअल के साथ आगे शेयर कर पाए कस्टमर को, ठीक है। विद RSS कस्टमर आर एबल टू सब्सक्राइब टू ए कंपनीज RSS फीड एंड एनी टाइम द कंपनी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन दैट इज कनेक्टेड टू ए RSS फीड। इससे क्या होता है, कस्टमर अगर RSS के थ्रू कनेक्ट होता है कंपनी से तो कोई भी कंपनी के अंदर जो अपडेट्स आता है वो RSS में आता है, तो RSS से ही जो कस्टमर है वो सारी इन्फॉर्मेशन को देख पाता है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है, टेक्स्ट मैसेज है, उसके थ्रू देख पाता है। एंड नोटिस इज इंस्टेंटली सेंड टू द ऑल सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर होंगे उस कंपनी के RSS के थ्रू उन सबको वो नोटिस पहुंच जाएगा। सब्सक्राइबर हु हैव इंस्टॉल्ड द प्रॉपर सॉफ्टवेयर और हैव एक्सेस टू एन ऑनलाइन रीडर विल सी द इन्फॉर्मेशन अपीयर ऑटोमेटिकली, जब भी आप ऑनलाइन होगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे आप YouTube पे करते हो, YouTube पे आप कोई वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हो कोई चैनल को, तो जब भी वो जो चैनल जिसने चैनल बनाया होता है वो कोई न्यू वीडियो अपलोड करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, ऐसे ही सेम इसमें होता है। कस्टमर सर्विसेज हैज़ फाउंड RSS टू बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट अपडेट्स, टेक्निकल मैटर्स सच एज प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, रिकॉल और जनरल कंपनी कम्युनिकेशन। तो RSS मेन किस में हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए यूजफुल रहता है, मेन प्रोडक्ट की अपडेट्स के लिए, टेक्निकल मैटर्स जो होते हैं, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं, रिकॉल्स हैं या कुछ और कम्युनिकेशन हैं, तो उसके थ्रू हम RSS के थ्रू हम ये प्रमोशंस कर पाते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट है वायरलेस डाटा एक्सेस, इट प्रोवाइडिंग ए हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज डज नॉट ओनली ऑकर व्हेन ए कस्टमर इनिशिएट्स कॉन्टैक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें हाई लेवल की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। डज नॉट ओनली ऑकर व्हेन द कस्टमर, ये नहीं है कि सिर्फ कस्टमर इनिशिएट कर रहा है तभी, कस्टमर सर्विसेज टेक प्लेस ड्यूरिंग एनी पोटेंशियल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग दोज दैट मे बी इनिशिएटेड बाय कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हु इज मीटिंग फेस टू फेस विद ए कस्टमर। ये इंटरेक्शन तब भी हो सकती है जब एक CSR है वो कस्टमर के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर रहा है। फॉर इंस्टेंस एन ऑर्गेनाइजेशन में सेंड सेल्स पर्सनल विद सम अदर सपोर्ट पर्सनल टू ए कस्टमर्स लोकेशन, इसमें क्या होता है, कस्टमर की लोकेशन पे खुद एक पर्सनल और CSR जाता है जो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। देयर एबिलिटी टू एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स इज वाइटल इज मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस, इससे क्या होता है स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विसेज बन पाती है, मेंटेन हो पाती है। To ensure that field personnel have the most up-to-date information, many companies now equip their field teams with probable device that can access the internet from any location. तो आजकल कंपनी ने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज भी निकाली हैं जो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाती हैं। This is accomplished through wireless internet connection. ये सब किसके थ्रू होता है, वायरलेस के थ्रू, विच अलाउ द फील्ड पर्सनल टू एक्सेस कंपनी कंप्यूटर्स एंड एक्वायर कस्टमर डाटा, जिससे जो कंपनी का पर्सनल होता है, एम्प्लॉई होता है, वो कहीं भी बैठ के अपनी कंपनी के कंप्यूटर से एक्वायर कर सकता है, मतलब सारा डाटा कस्टमर का निकाल सकता है। नेक्स्ट टेक्स्ट मैसेजिंग, वंस कंसिडर्ड ए प्ले टॉय फॉर टीनेजर्स, टेक्स्ट मैसेजिंग इज क्विकली बींग अडोप्टेड एज ए टूल फॉर कस्टमर सर्विसेज। जैसे आप कहते हैं टीनेजर के लिए एक टॉय होता है ना, उसी तरह से हम कहते हैं कि एक टेक्स्ट मैसेज है जो वो कस्टमर सर्विस के लिए सबसे अडोप्टेड टूल है, मतलब उसको तो बहुत यूज़ करते हैं। मैनी कंपनीज एंड कई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हैं
इंक्लूडिंग स्कूल भी हैं, कुछ कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि नाउ यूज़ टेक्स्ट मैसेजिंग एज ए मीन्स टू कम्युनिकेट, जो टेक्स्ट मैसेजिंग का यूज़ करती हैं स्टाफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. फॉर इंस्टेंस स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव सेटअप इंस्टेंट अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन रिसीव ए टेक्स्ट मैसेज इन केस ऑफ ऑन कैंपस एमरजेंसी और वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम. इससे क्या होगा, मैसेजेस के थ्रू वो इन सब से कनेक्ट रहती हैं, कॉलेजेस से, कॉलेजेस में पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, स्टाफ से. उससे क्या होगा, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है या फिर वेदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो साथ के साथ उनको टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जाता है. इंटरनेट टेलीफोन सपोर्ट. डिस्पाइट द ग्रोथ इन इंटरनेट एज एन आउटलेट फॉर एड्रेसिंग कस्टमर क्वेरीज, मैनी कस्टमर स्टिल प्रेफर टू डिस्कस देयर सिचुएशन विद ए लाइव पर्सन थ्रू ए टेलीफोन कन्वर्सेशन. देखो इंटरनेट टेलीफोन सपोर्ट से क्या है कि जितना हो सके वो कस्टमर के साथ लाइव चैट करता है, किसके थ्रू, टेलीफोन के थ्रू. फॉर दिस रीज़न कंपनी है मूव टू ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसी चीज़ के लिए, इसी रीज़न के लिए कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी निकाली जिसको बोला वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VOIP, रादर देन यूजिंग द प्लेन टेलीफोन सर्विस. मतलब सिंपल टेलीफोन सर्विसेज यूज़ करने की बजाय कंपनी ने VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस निकाली. उसमें क्या हुआ, टेलीफोन कॉल्स आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट विद मल्टीपल फोन्स शेयरिंग द सेम कनेक्शन. एक ही कनेक्शन से मल्टीपल इंटरनेट के थ्रू मल्टीपल कॉल जा रही हैं विद मोर पीपल यूजिंग द सेम लाइन. बहुत सारे पीपल उस सेम लाइन को यूज़ कर सकते हैं. द कॉस्ट पर कॉल इज रिड्यूस, कॉल भी रिड्यूस हो जाती है. वाइल द ऑडियो क्वालिटी ऑफ कॉल में नॉट बी रिलायबल एज पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स नैरोड. थोड़ी क्वालिटी का जरूर फर्क पड़ता है, जो वॉइस की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादा गैप नहीं आता, कस्टमर को समझ आ जाती है. कई बार डिफरेंस भी पता लगता है लेकिन इतना क्वालिटी गैप ज़्यादा नहीं होता. इंटेलिजेंस कॉल रूटिंग. इंटेलिजेंस कॉल रूटिंग में क्या होता है, इट इज़ अनदर लोवल टेक्नोलॉजी एसोसिएट विद द टेलीफोन सपोर्ट. ये भी टेलीफोन के थ्रू हेल्प से ही होती है. डील विद टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाई एंड फिल्टर इनकमिंग कस्टमर कॉल्स. इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी कस्टमर की कॉल आती है, इनकमिंग कॉल आती हैं, उसको फिल्टर कर पाता है. वन मेथड इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द कॉलर यूजली बेस्ड ऑन इनकमिंग फ़ोन नंबर एंड देन ऑटोमेटिकली डायरेक्ट्स द कॉल फॉर प्रॉपर सर्विसेज. इसमें क्या होता है, जो भी इनकमिंग फ़ोन नंबर आया है उसको डायरेक्ट वो देख पाता है, प्रॉपर सर्विसिंग देख पाता है, उस इनकमिंग कॉल कहाँ से आई है. अप्लायंस मैन्युफैक्चरर में बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज हु हैव परचेज्ड ए रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव ओवन. मतलब उनको ये पता लग जाता है कि इस पर्सन ने रेफ्रिजरेटर खरीदा था या माइक्रो ओवन खरीदा था. बट सम मार्केटर्स मूव ए स्टेप फर्दर एंड कैन प्रोग्राम देयर कॉल रूटिंग सिस्टम टू डिस्टिंग्विश गुड कस्टमर फ्रॉम अदर्स. कुछ लोग इसको गुड कस्टमर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. दिस में रिजल्ट इन दिस कस्टमर रिसीविंग प्रेफरेबल प्लेसमेंट इन कॉलिंग ऑर्डर और क्यू सो दैट दे विल सर्विस बिफोर लोअर रेटेड कस्टमर. इससे क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा और हेल्प मिलती है, कस्टमर को लो प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलने का ऑफर मिलता है. हु सिक्वेंशली मे हैव कॉल्ड बिफोर द गुड कस्टमर, जिससे गुड कस्टमर बन पाते हैं. सिक्वेंशली मतलब लाइन वाज एक तरह से क्यू बन जाती है कस्टमर्स की, जिससे वो गुड कस्टमर बन पाते हैं, परचेजिंग ज़्यादा होती है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल बीपीओ के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने डोमेस्टिक बीपीओ पढ़ा था. तो बीपीओ में कौन कौन सी सर्विसेज और ट्रेंड्स यूज़ होते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.